वो सिर्फ और सिर्फ जिला की तरक्की, जिला की फलाह बहबूदी, जिला को ऊंची सतह के ऊपर ले जाने की ये कोशिश है। अंजना ठाकुर, मिस नाजमा शेख, वो भी जल्दी से जो है वो डाइस पे आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मिस नीतू शर्मा, डी डी सी मेंबर्स जो है हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबको भी एक बार फिर से और मैं सरपंचस साहिबान को इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार श्रवण साहब से डी डी सी बताता करूँ कि हम सुबह से इस बारे में बात करते आए हैं कि जो लोग मिशन का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे दोस्त कुमार श्रवण साहब की सदारत से, उनकी उनकी लहर से ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने आया, और इसे जिला के अंदर जो है वो अमली शक्ल अमली जामा जो है जिसे पहनाया गया, और इसका मकसद ये है कि जो डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गाँव का हर वो आम आदमी जो जिला के किसी भी कोने में रहता है उसके बीच में ब्रिजिंग की जाए, उसके बीच में जिस का काम जो है वो करेंगे वो लोग मित्र कहेंगे। वो लोग मित्र हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, इसी साहब की शिकायत में लोग के निकाले गए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल जरूर जो है वो देता चलूं कि चार दिन पहले जिस दिन ये बुक जो है जो लोकमित्र की किताब है, ये वो लोगों का ग्रुप है, चार लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट से हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, चार चार लोगों का ग्रुप बनाया गया है। और जिला के अंदर जैसा मैं बताता चलूँ कि 386 लेडीज हैं, तो 386 ऐसे ग्रुप हैं जो इस समय आपको यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ हर गाँव को रिप्रेजेंट करने वाला पटवारी जो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, जो जिला के अंदर जब भी कोई बात हो तो बेसिक कानून जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो जिला के हर आम आदमी के साथ जुड़ा है, तो उसका जो नुमाइंदा है वो पटवारी की शक्ल में उस ग्रुप को जो है वो लीड करेगा, तो उस ग्रुप के साथ जो है वो यहाँ पे आपके बीच में जो है मौजूद है। किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को किडनी की परेशानी है, तो आइडेंटिफाई किए जो सभी क्वालिफाइड हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ही, इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग सर्विसेज वो प्लस एज ए लोक मित्र भी काम करेंगे, और जो भी लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जो भी हेल्प उनको चाहिए, जो भी मतलब कोई भी इनिशिएटिव है, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं या कोई भी उनकी कंप्लेंट जो है वो कंसर्न अथॉरिटी तक कैसे पहुंचानी, सभी काम जो उनको डिप्यूट किया गया है, जिसमें जो बेटी बचाओ को भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने में सभी लोग जो है हमारी हेल्प करेंगे। इनॉग्रेट किया गया है क्योंकि ये एक बहुत ही मैं कहती हूँ फास्ट ब्रेकिंग स्टेप है जो डीडीसी सर ने लिया है। होप्स हमारी काफ़ी हाई है क्योंकि यही एक चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा पब्लिक करती है। आज मुझे इस होप से खुशी भी हो रही है कि ऐसी चीज़ें जो हम सोचा करते थे आज वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं। इसका रिजल्ट जो है वो आने वाले कुछ महीनों में हमें पता चलेगा कि सच में ये काम कर भी रही है कि नहीं, लेकिन हमारी होप्स अभी तो बहुत ही अच्छी है।
साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है सभी स्कीम्स को, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे सिर्फ काम हो रहे हैं वो लोग मिलकर करेंगे ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी मॉनिटरिंग है वो भी डीटीसी सर जो है वो साथ साथ उसकी किया करेंगे। बुजुर्गों की जो पेंशनें थी उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सब कुछ देखते हुए ये जो डीसी साहब ने जो हमारा लोक मित्रा जो ये ग्रुप बनाया और टीम बनाई है हमारी सरपंचों के साथ मिलकर काम करने के लिए, लेकिन मैं डीसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी स्कीम के चलते ये स्कीम आगे बढ़ेगी और हमारे लोगों के काम चलने शुरू हो जाएंगे, ताकि जो कॉर्नर पर जो पाकिस्तान की फायरिंग में बॉर्डर के लोग सताए हुए लोग थे उनके काम नहीं हो पाते थे। इस स्कीम के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी और काम पूरे होंगे। तो यही हमारे आगे भी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी जो टीमें बनाई हैं इनके ऊपर भी निगरानी रखी जाए, ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। हर गांव में तैनात रहेंगे, 24 घंटे यहां हाजिर रहेंगे, कोई भी गांव में इंफॉर्मेशन होगी या गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी उसके बारे में ये सरपंच से मिलकर लोगों को अवेयर करेंगे। गांव के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जैसे फॉरेस्ट फायर, हॉस्टल फायर, चोरी शिकारी या कोई भी हादसा होता है ये तुरंत हमें फ्लैश करेंगे ब्लॉक के थ्रू। सरकार की है उन लोगों को घर घर जाकर डोर पे ये नॉक करेंगे, उनको स्कीम समझाएंगे और उनको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक पहुँचाएंगे। एक तो ये मकसद था, आज 386 गांव से लोग मित्र जो थे वो सब आए थे, उसमें सारे सरपंच साहिबान थे, डीडीसी मेंबर्स थे, पीडीसी के चेयरमैन साहिबान थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, लगभग
वार्ड मेंबर एक एम्बेसडर बन के अपने इलाके में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन में जो भी सरकार काम कर रही है स्कीमें हैं या वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है उसमें कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है, उसको खूबसूरत बनाना है, रिट्रीव कैसे करना है, साइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी बैठ लिया गया और यहाँ से लोगों को अवेयर किया गया और अपील की गई कि लोगों का आवाम का इसमें साथ देना बहुत अभी तक 3 पंचायत घर एक सफाई हमने करवाया है जो 98 से लेके लोगों ने कब्जा किया था, कुछ चंद जो लोग थे उसको खाली कराया है, ताले 2 करवाए 3 हो गए। अभी तक एक जेके बैंक की बिल्डिंग जो थी उसको चुप किया गया, एक रेडियो ऑफिस का उसको चुप किया गया और उसके अलावा एक स्कूल बिल्डिंग को। तो अभी तक ये कंप्लेन जो है ये जारी रहेगा, कोई भी जो गवर्नमेंट की जो पुलिस है